जय जिनेंद्र, मैं प्रीति सोगानी, भरत बाहुबली चैनल प्रीति सोगानी शो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और प्रतिभा से मिलने आए हैं, हावड़ा के नगर में जहां वो रहते हैं। चलिए हम आप सबको वहां लेके चलते हैं उन प्रतिभा के यहां पर। नॉक नॉक, शायद अब गेट खोलेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्या आप स्पोर्ट्स में, किस में आप भाग लेते हो और क्या चीज़ में आप आगे बढ़े? एक्चुअली आई एम इन मैराथन्स। होता क्या है कि आफ्टर ए सर्टन एज, हर स्पोर्ट्स में एक एज लिमिट होती है। वेदर यू प्ले क्रिकेट और बैडमिंटन और एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, देर आर एज लिमिट। आफ्टर सर्टन एज यू गेट रिटायर्ड। बट मैराथन एक ऐसा स्पोर्ट्स है, और यू कैन से इट्स ऐसी फील्ड है कि वेयर यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बी फिट, बी एक्टिव। हाँ, कोई ना कोई स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व रहें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। काफ़ी सारे मेडल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, देखिए आप लोग को भी दिखाती हूँ। कोलकाता के हैं, मुंबई के हैं, लद्दाख के हैं। वाकई बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जैन समाज की प्रतिभा, मेरा एक ही मकसद है कि मैं जैन समाज की प्रतिभाओं को आगे लाऊं। हर किसी में प्रतिभा है, अगर हम चाहें निखार सकते हैं। तो ऐसे ही निखारा है राहुल जी बगड़ा ने, और साथ दिया उनके परिवार वालों ने। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मैं प्रीति सोगानी, भरत बाहुबली चैनल प्रीति सोगानी शो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और प्रतिभा से मिलने आए हैं, हावड़ा के नगर में जहां वो रहते हैं। चलिए हम आप सबको वहां लेके चलते हैं उन प्रतिभा के यहां पर। कलकत्ता नगर में काफ़ी टैलेंट है, तो उस टैलेंट में एक ये भी है। नॉक नॉक, शायद अब गेट खोलेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। हम लोग, जय जिनेंद्र, हम लोग भरत बाहुबली चैनल से आए हैं और आपका इंटरव्यू लेने के लिए। वेलकम जीजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय जिनेंद्र। हम राहुल जी बगड़ा के घर आ गए हैं और अब आपको मिलाते हैं राहुल बगड़ा जी से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राहुल जी, आप स्पोर्ट्स में बहुत आगे हो, हमने काफी पेपर्स में भी पेपर में आपका नाम देखा है और सुना भी है। तो स्पोर्ट्स मतलब क्या स्पोर्ट्स, क्योंकि मुझे पता है लेकिन मैं बताना चाहती हूँ सबको कि आप स्पोर्ट्स में, किस में आप भाग लेते हो और क्या चीज़ में आप आगे बढ़े? एक्चुअली आई एम इन मैराथन्स। होता क्या है कि आफ्टर ए सर्टन एज, हर स्पोर्ट्स में एक एज लिमिट होती है। वेदर यू प्ले क्रिकेट और बैडमिंटन और एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, देर आर एज लिमिट। आफ्टर सर्टन एज यू गेट रिटायर्ड। बट मैराथन एक ऐसा स्पोर्ट्स है, और यू कैन से इट्स ऐसी फील्ड है कि वेयर यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम। तो इसी में मेरा एक्चुअली लास्ट ईयर व्हेन आई जॉइन द जिम, या इट्स अ काइंड ऑफ रनिंग, जिंदगी एक रेस है। हिस्सा बना लिए हैं, बस अच्छा लगता है। बिकॉज व्हेन यू हैव सम टारगेट्स, जब आपके सामने टारगेट्स रहता है कि ये मैराथन करना है या ये कंप्लीट करना है, देन यू कीप योरसेल्फ फिट। आप अपने आप को फिट रखते हो, आप अपना ध्यान रखते हो, और जब आप फिट रहते हो तो आपकी फैमिली भी फिट रहती है। तो इट्स लाइक दैट। यहाँ पर आपने काफ़ी सारे लेवल क्रॉस किए हैं,
जैसे कि एक मुझे यहाँ दिख रहा है मुंबई, मुंबई का कुछ है इधर, और ये है ना मुंबई मैराथन। तो मैं सबको दिखाना चाहती हूँ, ये मुंबई का है मुंबई मैराथन, फुल मैराथन। और ये भी आपको मिला है, और कुछ यहाँ बहुत सारे मेडल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग भी देखिए, मतलब मैं रियली बहुत खुश हूँ कि इतने सारे मेडल, और मतलब काफ़ी काफ़ी चीज़ हासिल की आपने दौड़ में। बस गॉड गिफ्टेड है और बड़ों का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, पर मेहनत आपका भी है। मेहनत तो है, मेहनत तो है। जब जो है आपके अंदर बचपन से ही था? बचपन से था एक्चुअली। आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, हर तरह का स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता था। बट आई जस्ट आई सेड बिफोर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि लास्ट ईयर व्हेन आई वाज डूइंग जिम फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि यू रन, स्टार्ट रनिंग, एंड आफ्टर फर्स्ट रन आई एंजॉयड वेरी मच। तो तभी से मैंने सोच लिया था कि इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, और एक दिन मेरा ये सपना था, दिस इज़ रियली माई ड्रीम टू कम्प्लीट टाटा मुंबई मैराथन, फुल मैराथन, एंड आई रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मेडल है, आज आपको देखकर आपके जनरेशन, आपके बच्चे, आपके परिवार के और भी जो छोटे बच्चे हैं या बड़े जो भी हैं, बहुत इंस्पायर होंगे, और उनके अंदर भी वो जज्बा जगता होगा कि हम भी करें। या डेफिनेटली डेफिनेटली, नहीं नहीं अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी भी किसी काम के लिए नहीं रोका, कभी भी किसी काम के लिए नहीं टोका, और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी नीतू सिस्टर, इन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, बस इसीलिए। या मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जिम के फ्रेंड्स हैं जो कंटिन्यू मेरे साथ रन करते हैं, और इट्स वो भी मेरे एक फैमिली की तरह हो गए हैं। आई विल मेंशन सम ऑफ देम, लाइक मिस्टर नवनीत शर्मा, दिलीप बदानी, कृष्णकांत तिवाड़ी, पवित्र डाकलिया, माय ट्रेनर विश्वजीत नस्कर, नीलेश। सो ये मेरा एक पार्ट, एक टीम हो गई है, एंड वी ऑल स्टार्टेड रनिंग टुगेदर, वी स्टार्टेड शेयरिंग आवर थॉट्स टुगेदर, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या डाइट्स होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, सो इट्स लाइक दैट टीम वर्क। तो आपके घर से भी, जैसे आपके बच्चे हैं या आपकी वाइफ, वो भी आपके साथ रन करते हैं? लास्ट ईयर सी हैज डन विथ मी, मैंने उनसे कहा भी था कि इस ईयर कर लो, बट उनके थोड़े से बैक में प्रॉब्लम है, तो दिस ईयर वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर देखा था आपके साथ आपके बेटे को भी दौड़ते हुए, तो वो भी रन किया अभी? या ही हैज पार्टिसिपेटेड इन अ रन इन जय बालाजी ट्रेल रन। ट्रेल रन एक बहुत यूनिक रन है, कलकत्ता में राजाराट न्यूटाउन में होती है, इट्स ए वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक रन, सो ही हैज पार्टिसिपेटेड इन दैट रन। वेरी गुड, तो आपको भी खुद को बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि मैं तो दौड़ रहा हूँ, साथ में मैं अपने बच्चे को भी लेके दौड़ रहा हूँ। प्राउड होता है, बट प्राउड ज़्यादा मैं यही कोशिश करता हूँ कि कोई इंस्पायर हो। एक्चुअली होता है क्या कि आफ्टर गेटिंग मैरिड हमारी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं, तो फिर आदमी का फिटनेस लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होने लगता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आदमी अपने आप को फिट रखे, क्योंकि जिसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो फिट रहेगा तो उसकी फैमिली फिट रहेगी, वो सबका ध्यान रख पाएगा। एकदम सही बात है कि आज अगर अपन शादी होने के बाद क्या होता है, हाँ ठीक है जॉब है, बस फिटनेस को भूल जाते हैं, और सारा चीज़ याद रहता है बट फिटनेस को भूल जाते हैं। इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कैसा है, थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है कि नहीं? बट आप बहुत फिट हो। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ, आफ्टर 30 और यू कैन से आफ्टर 35 हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होने लगता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम। तो एक बार जब डाइजेशन सिस्टम स्लो होने लगता है तो बॉडी में फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आफ्टर 35 और आफ्टर 30 यू हैव टू बी इन स्पोर्ट्स और सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तभी आप अपने आप को फिट रख पाओगे। सही बात है, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप अगर अपने फिट रहोगे तो आप अपने फैमिली को फिट रख सकते हो। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और सबको इस बात को समझना चाहिए कि हमको खुद को, जो फैमिली के मेन जो पार्ट है, उनको अपने आप को हमेशा फिट रहना चाहिए।
क्योंकि आप खुद फिट हो तो आपके साथ आपके फैमिली, आपके बच्चे सब आपके हिसाब से आपको देखकर वो खुद भी इंस्पायर होते हैं, है कि नहीं? तो मैं आपके जो सफलता है, तो ये सफलता तो आपने कहा कि आप अकेले हासिल नहीं किए, क्योंकि इसके पीछे आपका परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, तो मैं आपके परिवार के आपके पत्नी से मिलना चाहूँगी। अब हम लोग मिलेंगे राहुल जी की वाइफ यानी सुनंदा जी बगड़ा। जय जिनेंद्र सुनंदा जी। जय जिनेंद्र जी। राहुल जी ने तो बहुत कुछ हासिल किया है, इनके स्पोर्ट्स, इनका मैराथन, तो ये क्या आप जब आए शादी होकर तो तब से इनका ये जुनून आपने देखा या बाद में देखा आप? नहीं, स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन ये सब जो मैराथन जो स्टार्ट हुआ है ये जिम स्टार्ट होने के बाद ही हुआ है। मतलब ग्रेजुअली जिम जाते जाते वो एक ग्रुप बना, फिर एक बार बोले कि हाँ मेरे को रन करना है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट 5 किलोमीटर से स्टार्ट किए। फिर नहीं बोले उसी दिन कि मैंने ये स्टार्ट किया, अब मैं इसी को अपना गोल बनाऊँगा और एक दिन 42 तक करके दिखाऊँगा। तो इसमें क्या आप पूरी तरह से सपोर्ट करती है या ठीक है इनका शौक है बस ये करे, कैसा? नहीं, मैं सपोर्ट करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है, तो क्या आपने भी कभी सोचा है कि हाँ मैं भी इनके साथ दौड़ूंगी? स्टार्ट किया था, एक बार किया है 5 किलोमीटर्स, पर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने कहा अब नेक्स्ट ईयर फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। एक्चुअली क्या है कि हम लोग कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं, तो एकदम से 10 किलोमीटर दौड़ना या 15 दौड़ना वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, हेक्टिक हो जाता है। इस बोल के मैं बोली पहले प्रैक्टिस कर लेती हूँ, फिर हम आपके साथ हैं, आप आगे आगे चलो, आप पीछे पीछे, आप नहीं, ये होना चाहिए। क्योंकि राहुल जी मैंने ये देखा है कि किसी के सपोर्ट के बिना आप आगे बढ़ रहे हो, मगर जब तक परिवार आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आप वो बेफिक्र होके जो आगे बढ़ना होता है ना वो यस, ये एकदम सही है। अगर आप कोई कुछ भी आप लाइफ में कुछ कर रहे हो या किसी के पीछे भाग रहे हो या कोई टारगेट अचीव कर रहे हो, तो जब तक पीछे में एक या आपको सेटिस्फेक्शन है कि मेरी फैमिली में मेरा कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, मैं नहीं भी रहूं 4 दिन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं नहीं भी रहूं तो पापा बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आप वो फिर आप जो अपना टारगेट है उसको फुल अच्छे से अपने अचीव कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है ना राहुल जी, जैसे कि इंसान का अगर शौक रहता है और उस शौक को अगर इंसान अपना जुनून या अपना जिसे कहते गोल है कि नहीं, वो अगर बनाने, तो वो क्या होता है, दोनों मतलब मोहब्बत तो आप अपने शौक से कर ही रहे हो, अपने प्यार करते हो अपने जो आपको जो पसंद है उस चीज़ से, तो बहुत इत्मीनान से वो चीज़ पूरा हो जाता है कि नहीं? होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, बिकॉज समथिंग यू ड्रीम, और अगर आप वो अचीव कर रहे हो और इस एज में इस लाइफ के इस पड़ाव में अगर मैं अचीव कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आई हैव बीन गिफ्टेड। बिकॉज मैं अपने काफ़ी फ्रेंड्स को देखता हूँ और काफ़ी आसपास के सर्किल में देखता हूँ, एक सर्टेन एज और सर्टेन टाइम के बाद आदमी डेफिनेटली गिव अप कर देता है, उसके पास टाइम नहीं रहता है। तो अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स, और मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। देखिए जैन समाज में आप एक प्रतिभा हैं, तो जैसा कि जैन समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप ये मैराथन में काफ़ी लेवल तक क्रॉस कर गए, तो जैन समाज के लिए भी ऐसा कुछ आप करना चाहेंगे जिससे हमारे समाज के बच्चे भी आगे आए? या डेफिनेटली, लास्ट वीक में हम लोग के यहाँ साउथ हावड़ा में जैन चेतना संघ बोल के हमारी एक सोसाइटी है जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव है, तो मैं भी उसका एक कोर कमेटी का मेम्बर हूँ, और लास्ट टाइम मैं जब वहाँ गया था तो वहाँ के काफ़ी यूथ, और जब उनको पता चला कि आई हैव कम्प्लीटेड दिस टाटा मुंबई मैराथन फुल मैराथन, तो वो मेरे पास आया और बोले भैया मेरे को भी ऐसा कुछ करना है और हम लोग को भी कुछ करना है। तो मैंने यही कहा कि जस्ट स्टार्ट सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, देन आई एम देयर टू हेल्प यू, और नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आई विल हेल्प देम एंड ट्राई टू गेट देयर ड्रीम्स कम्प्लीट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आपने अचीव किया है तो आप भी चाहेंगे कि अपने समाज के बच्चे, और साथ में बच्चों के साथ में जैसे क्या होता है आपके हम उम्र के जो भी हैं उनको भी आप आगे लाइए, ताकि हमारे समाज के जो हेल्दी समाज बने, राइट ना? कि जैसे आप सोचते हो कि अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं एक मतलब फिट हूँ, तो मेरा परिवार भी फिट रहेगा, तो वो सोच आपको कहीं ना कहीं जैन समाज के अंदर भी लाना है। अगर जैन समाज फिट है तो सब चीज़ फिट रहेगा, तो आप उन बच्चों को आगे लाओ, बच्चों को आप आगे बढ़ाओ,
और आपके जो हम उम्र के जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों को आप आगे लाओ, क्योंकि आप बहुतों के रोल मॉडल जो होते हैं ना वो चीज़ बन चुके हैं आप। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहें? मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बी फिट, बी एक्टिव। हाँ, कोई ना कोई स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व रहें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, बिकॉज एक बार अगर आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स आता है तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो करेक्टर है वो इतना डेवलप हो जाता है कि आप फिर कोई भी फील्ड में रहो यू कैन ईजिली अचीव एवरीथिंग। तो जैसे अभी जस्ट लाइक लास्ट वीक में हमारे मोदी जी ने भी ये जो स्कीम निकाली है खेलो इंडिया खेलो, तो वही है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो अपने लाइफ में स्पोर्ट्स को एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, आप फिजिकल एक्टिव हैं, तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटल से तो दूर रहेंगे। बहुत बड़ी बात बोली आपने और बहुत सही बात बोली आपने कि अगर आपने आपको फिट रखोगे तो हॉस्पिटल से दूर रहोगे। मैं राहुल जी आपके मतलब पेरेंट्स से मिलना चाहूँगी, क्योंकि आप के सफलता में उनका कितना योगदान है मैं ये भी जानना चाहूँगी, और साथ में ये मैसेज सबको भी पहुँचाना चाहूँगी कि अगर घर वाले साथ होते तो इंसान वाकई बहुत आगे तक निकलता है, सफलता प्राप्त करती है। तो आप उनसे मिलाएंगे मुझे? जय जिनेंद्र अंकल जी, आंटी जी। जैसे कि राहुल जी स्पोर्ट्स में मैराथन में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और फुल मैराथन अभी इन्होंने मुंबई और लद्दाख वगैरह सब इन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी मेडल लेके आए हैं। तो आप आपको क्या लगता है मतलब इनके सफलता में आप अपने आप को कितना हिस्सेदार मानते हैं? मुझे बहुत गर्व है कि मेरा लड़का ये मैराथन में भाग लेता है, और जब फेसबुक के अंदर में इसकी फ़ोटो आती है तो मेरे जो शागिर्द लोग हैं वो फेसबुक देखने के बाद में मेरे लड़के से बेसी मेरी बड़ाई करते हैं कि आपका लड़का कितना अच्छा दौड़ रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। मुझे उस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है। आप खुद अगर जो चीज़ को हाँ मैं कर नहीं सका, तो वो मेरा लड़का पूरा कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो आप आंटी जी आपको क्या लगता है कि आप इसके राहुल जी के दौड़ में कहाँ तक शामिल हैं? हम तो हमेशा से इसको बहुत चाहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि है ना ये शुरू से ही पढ़ाई में सब चीज़ में इंटरेस्ट था इसको, कभी भी मतलब हमेशा ही फर्स्ट आया ये हर साल, और ये सब चीज़ का इसको शौक है हर चीज़ का, भाव अच्छे हैं और ये करता है उसके लिए बहुत गर्व की बात है, मुझे बहुत खुशी होती है बस, और ये क्या बोलूँ इसके लिए। देखिए ये होता है प्यार, पेरेंट्स जब देखते हैं कि उनके बच्चा इतना आगे बढ़ गया है तो अपने आप आँखों में ऐसे प्यार झलकने लगते हैं, इनकी आँखें भर आई और शायद मेरी भी, कि वाकई इनको कितना गर्व महसूस होता है अपने बच्चे पे। तो ऐसे ही अपन अगर अपने सारे पेरेंट्स सोचें कि हमारा बच्चा जो चाहता है, जो उनका जो उसका खुश जिससे जो उसका गोल है जो वो प्राप्त करना चाहता है अगर वो करे वो आगे बढ़े तो बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे मैं इस फैमिली में आई हूँ बगड़ा फैमिली में, तो वाकई मैं यहाँ देख रही हूँ कि हर कोई राहुल जी को सपोर्ट करता है, अंकल जी आंटी जी से लेके उनकी वाइफ और उनके बच्चे जो कि मैं अभी आपको बच्चों से भी मिलाऊंगी। तो वो बच्चे जब मैं आई थी तो वो बच्चे मेडल पहन के बैठे थे कि पापा लेकर आए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। तो अब मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों को भी देख के कि आप लोग अपनी खुशी जो अपना सोच जो है आप अपने बच्चों में से भी देखते हैं कि मेरा मैं नहीं जो कर सका वो मेरा बच्चा कर सके। ये सच है, बिल्कुल सच है ये, कि हम लोग तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ये लोग तो आगे बढ़े हैं। हेलो वीर, हेलो बानी, कैसे हो आप लोग? ठीक है। अच्छा पापा जो रन करते हैं ठीक है, इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मैं इससे बहुत खुश होता हूँ, मैंने भी कई सारे रन किए हैं, मैंने ये सीखा है कि इससे बहुत इन्जॉयमेंट होता है। मैं चाहता हूँ कि पापा जितने मैं भी अचीव करूँ और हमेशा फिट रहूँ। तो वाणी आप क्या चाहते हो, पापा के साथ दौड़ना चाहते हो या ठीक है पापा दौड़ रहे हैं मैं मुझे नहीं दौड़ना, क्या चाहते हो? मैं भी रन करना चाहती हूँ। रन करना चाहते हो तो ऐसे मेडल्स आप भी लाना चाहते हो? हाँ। और फिट कौन रहेगा फिर? गुड, वेरी गुड। तो ये है बगड़ा फैमिली के छोटे छोटे बच्चे जो राहुल जी के बच्चे हैं। ये बच्चा वीर
जो है इन्होंने तो रन भी किया है और आगे वाणी भी करेगी। वाणी प्रॉमिस ना, रन करोगे ना? और मैं आपको और मिलाना चाहती हूँ बगड़ा फैमिली के एक और नन्हे मुन्ने बच्ची से। हाँ हेलो, जय जिनेंद्र। ये बच्ची जो मैंने आके सुना कि ये हमेशा अपने बड़े पापा को आके बोलती है कि बड़े पापा मेडल लाए। अभी ये थोड़ा सा शर्मा रही है मुझे देखकर, क्योंकि मैं नई हूँ तो नहीं समझ पा रही है मुझे। बट जो इसका मैंने सुना है कि आप ऐसे बोलते हो कि बड़े पापा मेडल लाए। हाँ अच्छा, नीतू जी आपको कितनी खुशी होती है जब राहुल जी मेडल लाते हैं? बहुत खुशी होती है। इतना ऐसा मतलब ये रन करना कोई मामूली बात है नहीं, हर कोई की बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और शरीर का साथ भी होना चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए फैमिली का और सब कुछ। और भैया बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहे, सही में। तो ये है बगड़ा फैमिली। एक्चुअली दिस ऑल स्टार्टेड इन 2016 लास्ट सीजन। 5 kilometer, I have started with 5 kilometer. This was my first run, first charity run of 5 kilometer. और जिस दिन मैंने ये रन किया, I can't even walk for a day, for full day on that particular day. But I enjoyed a lot and मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरे को कुछ करना है and I want to be a complete marathoner. टू कम्प्लीट 42.195 किलोमीटर मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरे एक के बाद एक पड़ाव आते गए। और मेरा फर्स्ट मेजर ब्रेक था लद्दाख मैराथन। लद्दाख जो कि इंडिया की एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, और यहाँ पे एक मैराथन होती है जो कि वहाँ की पब्लिक, वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स कराते हैं। ये 11,000 फीट पे होती है जहाँ ऑक्सीजन 40% होता है एक नॉर्मल सी लेवल से, और ये काफ़ी टफ है, काफ़ी चैलेंजिंग है। सो मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार किया और बहुत मेहनत किया। आई मस्ट शो यू दिस, दिस इज़ दिस लद्दाख मैराथन टी शर्ट। इट सेज इट्स हाईएस्ट 11,070 एंड व्हेन यू चेक इट इन गूगल इट विल ऑल्सो दे इट्स द टफेस्ट टेरेन और टफेस्ट है, बट इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल मैराथन ऑफ द होल वर्ल्ड। आई मस्ट से टू एवरीबडी। और उसके बाद मेरा ये मुंबई का टारगेट था जो मैंने मुंबई को अचीव किया एंड डेफिनेटली फीलिंग वेरी वेरी प्राउड, वेरी वेरी ब्लेस्ड कि ऐसा मेरे को चांस मिला और कि मैं वहाँ जाके कंप्लीट कर सका। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि कुछ गोल सेट करो। जैसे कि मैंने ये अचीव कर लिया है, मैंने अब नेक्स्ट टारगेट मेरा लंदन और न्यूयॉर्क में है, तो वहाँ की फुल मैराथन कम्प्लीट करना है। तो डेफिनेटली अगर गॉड का साथ होगा, फैमिली का साथ होगा, तो नेक्स्ट 1 or 2 ईयर में आई विल बी देयर एंड देन आई विल सेट द टारगेट फॉर माई सेल्फ उसके ऊपर। दैट्स इट, थैंक यू। काफ़ी सारे मेडल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, देखिए आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये कोलकाता के हैं, मुंबई के हैं, लद्दाख के हैं। कोई 10 किलोमीटर है, कोई 10 kilometers एंड 21 kilometers, 42, ये 25 kilometer, वाओ 25 kilometer एंड दिस वन 42 kilometers। सुपर जीनियस। वाकई बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जैन समाज की प्रतिभा। मेरा एक ही मकसद है कि मैं जैन समाज की प्रतिभाओं को आगे लाऊं। हर किसी में प्रतिभा है, अगर हम चाहें निखार सकते हैं। तो ऐसे ही निखारा है राहुल जी बगड़ा ने और साथ दिया उनके परिवार वालों ने। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जितने भी किलोमीटर्स इन्होंने रन किया है, सारे किलोमीटर्स, मैराथन टी शर्ट एंड ढेर सारे मेडल्स, ये सब राहुल जी ने अर्न किया है अपनी मेहनत से। और साथ में इसको बनाया है इन्होंने अपना गोल।
तो ऐसे ही यंग यूथ आगे आओ और अपना गोल को अचीव करो, जो कि राहुल जी ने किया है। ऐसा ही अपने जैन समाज के सारे बच्चे, नवयुवक युवतियां सब आगे आए। थैंक यू सो मच बगड़ा फैमिली, मुझे यहां आकर रियली दिल से बोल रही हूँ बहुत अच्छा लगा, और ख़ासकर मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सीख के जा रही हूँ कि फिट रहना ज़रूरी है। जैसा कि राहुल जी ने कहा कि अगर अपन फिट रहेंगे तो परिवार फिट रहेगा, तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका। और मुझे फैमिली रियली बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साहित फैमिली लगा। तो राहुल जी आगे बढ़ते रहिए, और हम सबका बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच। मैं प्रीति सोगानी, भरत बाहुबली चैनल, प्रीति सोगानी शो में आज यहीं तक। आगे सफ़र जारी रहेगा, अगले पड़ाव की ओर हम बढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।